अच्छा आयशा, मैं इंडिया में था, बॉम्बे में, और मेरी मीटिंग संजय लीला साहब से हो रही थी, बिकॉज तब हालात थोड़े बेहतर थे, तो एक प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक लड़की साइन करवा दो. तो मैंने उनसे पूछा कौन सी लड़की. अच्छा वो सोच रहे हैं, कहते पाकिस्तान में बस एक ही लड़की है जो बेस्ट है, और मुझे ये लड़की जो है अगर एक दफ़ा ये मेरी फिल्म कर ले तो मैं तो किसी और लड़की से काम नहीं करूंगा. मैंने कहा बताएं तो कौन यार. अच्छा फिर ढूंढने लगे, यार तुम लोग एक तो शादियां बहुत जल्दी कर लेते हो. ही वाज लाइक दिस एंड इट्स आई मीन आई वाज विद हिम फॉर 2 आवर्स. तो जब उन्होंने तस्वीर निकाली तो ये वाली तस्वीर तो उन्होंने दिखाया, आयशा थी वो. oh, nice. तो उन्होंने मुझे कहा ये शादीशुदा गैर शादीशुदा है, तुम लोग शादी. मैंने कहा उनकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है, तो फिर ये तो छोड़ के नहीं आ सकेंगे बच्चे को, क्या मसला है. मैंने कहा ये बाद की बात है, पहले पता नहीं वो फिल्म करती है या नहीं करती, पहले ये तो पूछे. तो मैंने ये सुना कि दानिश ने जब आपको बॉलीवुड से ऑफर आया तो दानिश ने मना किया. किसने मना किया? ये मजे की बात बताऊं, जब मुझे एक कॉल आई इम्तियाज अली की, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके पास किन किन की कॉल आई. तो मुझे एक प्रोजेक्ट लिए कॉल आई, और वो बिल्कुल वो था कि जिस तरह मैं चाहती थी, जो था वो था, तो वो सब कुछ था. बट मैं ये थी कि मुझे अगर करनी है तो मैं पाकिस्तान की फिल्म करूँगी पहले, फिर मैं कहीं बाहर जाऊँगी. मतलब ना करके पाकिस्तान की फिल्म को और मैं कहीं बाहर करूँ, तो मुझे होता था नहीं पहले मैं पाकिस्तान के लिए करूँ. बट दानिश ने मुझे पहले, मैं सोची थी कि दानिश की तरफ से इनकार हो सकता है कि बाहर जा रहे हैं क्या. एक आपको होता है ना कि कोई चीज़ ऑप्शन क्या है, और आपको पता है किस तरह काम होता है. हम लोग पाकिस्तान तो फिर बहुत संभल के काम करते हैं, बिल्कुल बहुत सारी चीजें देख के काम करते हैं. कुछ एक्टर्स होते हैं जैसे आप सोच रहे हैं, हर कोई ऐसा नहीं सोचता. इट्स योर बट हमारी एक इमेज है ना पाकिस्तान में, तो हम उसको आप भी ख्याल रखते हैं कि मुझे वापस मेरे घर आना. सो घर वालों से आपने लड़के नहीं जाना, या घर वाले के अगेंस्ट होकर कोई चीज नहीं करनी. तो दानिश से जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने, अच्छा मुझे मजे की बात यह कि जब मुझे कॉल आई इम्तियाज अली की, तो उन्होंने मुझसे कहा दानिश को पूछो, उसको बताओ पहले, उनसे मिल चुका, उसको सारी चीजें बताओ कि ये चीजें हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये जो भी तुम्हारा सारा था. तो उन्होंने दानिश को पूछा, और मैंने दानिश को कहा, तो दानिश का ये तुम्हारा डिसीजन है, तुमने अपने करियर में अच्छे डिसीजन लिए हैं, तुम बेहतर जानती हो, मेरी तरफ से तुम्हारी काम को लेकर रुकावटें नहीं है, क्योंकि मुझे एक ट्रस्ट है तुम्हारा कि तुम जो हो जिस तरह काम कर रही हो तुम्हें पता है, लाइक तुम्हारा इमेज तुम खुद भी ख्याल रखती हो. तो वो नहीं है कि नहीं दानिश ने मना करना. इसके ना पीछे एक रीजन है, वो रीजन ये है कि जैसे मेरे ख्वाब है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेवल का एक्टर बन जाऊँ, मैंने होस्टिंग भी स्टार्ट कर दी, इसके भी वैसे ख्वाब होंगे. मैं कौन होता हूँ उसे तोड़ने वाला है, बिल्कुल सही. क्या मैं इसको इसकी हेल्प तो कर सकता हूँ, इसके ख्वाबों को जहाँ तक इसने जाना है मैं रोक नहीं सकता. एक तो मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, तो अगर मैं किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरे घर वालों के लिए होना चाहिए. तो मैंने कभी इसको इसलिए नहीं रोका. मुझे लगता है दिस इज अमेजिंग दानिश, ये बहुत बड़ी बात होती है. बहुत बड़ी बात है, कम लोग सोचते हैं यार. एक दूसरे की ना रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए, और अपने ख्वाबों की रिस्पेक्ट, और इक्वालिटी जो है वो बड़ी जरूरी है आपस में. उसी तरह ज्यादा आसान हो जाती है जब आप, अच्छा उसका एंड की रिजल्ट क्या हुआ फिर, हाँ बोला या ना बोला. हालात खराब हो गए. एक तो ये बहुत लोगों की स्टोरी है, हालात खराब हो गए. बट आपको पता है नहीं, इससे ज्यादा मजे की चीज मैं बताता हूँ. इतनी इज्जत पाकिस्तान में मिल रही है, तो अगर नहीं भी जाओगे डजंट मैटर. बट ये 2-3 दफा ऐसे हुआ होगा कि फिल्म होने वाली और हालात खराब हो गए. अच्छा मुझे लगता है उसके पीछे बेहतरी होगी. जो मेरे साथ हुआ था वो इससे भी ज्यादा फनी है. वो हुआ क्या, एक फिल्म आई थी अभी जिसमें सोनम कपूर और करीना कपूर और ये चारों, क्या नाम था उनका, फिल्म का नाम नहीं मुझे यार, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, मगर वो सारी जिनमें चार हीरोइंस थी और उनके साथ वीरे दी वेडिंग, वीरे दी वेडिंग राइट. तो उसके लिए कास्टिंग ऑलमोस्ट डन, मैं और शेख साहब यहाँ से, मैं अगेंस्ट करीना कपूर, और शेख साहब जो थे वो वालिद का कोई कैरेक्टर कर रहे थे. हमारे पैसों तक पे बात हो गई, डेट्स फाइनलाइज हो गई, अब हमने शूट के लिए जाना है. करीना गॉट प्रेग्नेंट और फिर हमने 8-9 महीने उन्होंने कहा नहीं हम तो अभी शूट नहीं कर सकते. जब तक वो ठीक हुई तो फिर उसके बाद हालात खराब हो गए. जब तो यार उनके हालात खराब हो गए, फिर वो ठीक हुई ना, नसीब से पहले, नसीब से पहले, नसीब के बाद. आपके नसीब में जो चीज है वो मिल जाती है, सारी चीजें पाकिस्तान में अवेलेबल है. इनफैक्ट आज तक बाहर नहीं गया. और यार ये बात करने का मकसद है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, लोगों का बहुत ज्यादा प्यार है, और उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल. बट द पॉइंट इज कि जब इंटरनेशनली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एक्टर्स लाइक यू गाइज, यू डूइंग रियली नाइस ओवर हियर. और जिस तरह सजल ने किया,
सबा कमर ने किया, माहिरा ने किया, मैं समझता हूँ फवाद ने किया, आई थिंक वाकई फैन है और इन्होंने बहुत अच्छे में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, राहत फतेह अली खान ने, आतिफ असलम ने, तीनों क्या एक्टर्स हैं, बिल्कुल अगर आप हिंदी मीडियम देखें सबा की आउटस्टैंडिंग काम था, मॉम के अंदर सज्जल हो गई या फवाद जितने अरसे में इतना वंडरफुल आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आप भी किसी डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं तो वो जैसे उन्होंने मेरा जिक्र किया वो आपको पाकिस्तान के लोग गिनवा रहे होते हैं और वो इतनी तारीफ कर रहे होते हैं कि आप ना वैसे ही आपको फख्र हो रहा होता है खुद पे कि यार मुझे कॉल आई है तो वो पीछे इतने सारे लोगों को देखते हुए बता रहे हैं कि यार ये आपके पाकिस्तान से ये लोग भी तो आए थे। हाँ, नो डाउट, नो डाउट, वंडरफुल जनाब, जबरदस्त। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।